दोस्तों आपके सामने यहां पर वर्ड लिखा है यूनिट, अगर मैं बात करूं ए एन द तो इसमें से क्या आएगा, यू है, यू एक वॉवल है और वॉवल के साथ तो क्या लग जाएगा एन। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है ना तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इसके साथ एन बिल्कुल नहीं आएगा, इसके साथ आएगा ए। अच्छा नीचे वर्ड है यूएसए चाइना, दोनों कंट्रीज के नेम है, अगर मैं इनके साथ दा लगा दूं दोनों के साथ तो क्या ये सही रहेगा, नहीं, यूएसए के साथ दा आएगा और चाइना के साथ दा नहीं आएगा। और क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, इस रीजंस को जानने के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्लियर किए हैं जो आपके अभी तक क्लियर नहीं होंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही सब तो पूछा जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मैं जानता हूं मेरे सारे दोस्त बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्हें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जैसा कि आपको अब तक कॉन्सेप्ट पता है ए और एन लगाने का, उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए और एन लगाने वाले हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो उसके साथ लग जाएगा ए और अगर वॉवेल है तो लग जाएगा एन। इसी बेस पे इसके आंसर मैं लिख देता हूं, तो टॉय का टी था तो ए लग गया, इसके साथ भी ए लग गया, सबके साथ हमने लगाया ए क्योंकि इन सबका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। अच्छा इसमें देखता हूं तो यूनिवर्सिटी यू, यू तो एक वॉवेल है, वॉवेल के साथ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, यूनिटी है एन आएगा, यूजेज यूनिक सबके साथ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। अच्छा जी लिख दिया, लेकिन अगर आपको लग रहा है यहां इन सबके साथ एन आएगा तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। जी हाँ ये बिल्कुल गलत है, आप गलती करते हुए आ रहे हो, एग्जाम्स में गलत कर रहे हो, बोलने में गलत कर रहे हो, लिखने में गलत कर रहे हो, हर जगह ये गलती आप रिपीट करते चले आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं और ध्यान नहीं दे पा रहे, बोलते हुए में इंप्रेशन डाउन जा रहा है लेकिन पता ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई वर्ड देखा और उस वर्ड का पहले लेटर का साउंड, ध्यान से मैंने वर्ड यूज किया साउंड, अगर उसकी आवाज कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा और आवाज वॉवल की है तो एन आएगा, ये है कॉन्सेप्ट। अब इनको ध्यान से देखो जरा, यूनिवर्सिटी अगर इसका साउंड क्या निकला, या का साउंड आया सर, यहां पे या का साउंड, और या तो एक व्यंजन होता है ना, तो व्यंजन के साथ क्या लग जाएगा ए लग जाएगा ना कि एन। ऐसे यूनिटी, यूनिटी में आवाज किसकी आई, फिर से या की आवाज आई और या व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या आएगा ए आएगा। यूजेज या ए आएगा, यूनिक, यूनिक के साथ क्या आएगा ए आएगा। अच्छा एक और वर्ड लिखता हूं, अब आप बताओ मुझे कि इसके साथ क्या आएगा, मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी यू ही है लेकिन आवाज क्या निकली इसकी, साउंड क्या आया अ, और अ क्या होता है एक स्वर होता है, इसके साथ आएगा एन, क्या आएगा इसके साथ एन आएगा। ऐसे यहां पर भी आप देखोगे इन सबके साथ ए आया है जो कि लॉजिकल है क्योंकि सबके साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड किसके हैं व्यंजन के हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जो आपको अब तक नहीं मालूम था और अब मैं उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे और कभी ये गलतियां तो रिपीट नहीं करोगे। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए अपना ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का कर लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही इज डैश अननोन गाय, अब अननोन, अननोन में ये साउंड किस चीज का आया अ का साउंड आया, किसका आया अ का साउंड आया और इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा एन लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज एजुकेटेड पर्सन, अब देखना कुछ नहीं है सिर्फ आवाज को सुनना है, ए में किसकी आवाज आई ए की आई और ये भी क्या आ जाएगा एन हो जाएगा। अगला एग्जांपल है हमारा दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, अब इसमें आवाज किसकी आई या की आई, सावधान सावधान यहां पे आवाज आई या की और या तो एक व्यंजन है कॉन्सोनेंट के साथ क्या आ जाएगा ए आएगा सिर्फ। अगला है हमारा माय फादर इज, अब यहां क्या करें MBBS, कहीं नहीं भटकना, माइंड में बहुत क्लियर रख लो कि आपको याद रखना है साउंड, अब एम का साउंड क्या हुआ, एम के साउंड में भी तो ए की आवाज आई एम तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। जी हां अगर कोई एब्रिविएशन होती है तो उसको भी हमें साउंड में देखना है, अगर यहां एस होता तब भी एन आ जाता, लेकिन अगर यहां पर होता पी तो पी कुछ नहीं हो सकता था, मान लीजिए पी आई सी कुछ इस तरह से होता तो अब हम यहां पे ए ही रखते। अगला है हमारा यू आर नॉट और यहां पर भी क्या आ गया अ की साउंड आई तो यहां भी लग गया एन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, मिक्स्ड एग्जांपल्स थे जो ए और एन में बायफर्केशन करने में हमें हेल्प कर रहे थे।
अब आगे बढ़ते हैं डॉग एग्जांपल्स की तरफ। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे पापा ने ना मुझे एक पेन गिफ्ट किया था, ये पेन, और ये पेन मेरे पास हमेशा रहता है। अच्छा, तो आपको याद है ना ये पेन, तो ये वाला पेन है वो। ओके, तो अगर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी हो तो मैं क्या इंग्लिश लिखूंगा, मैं इंग्लिश लिखता हूं, मान लीजिए इसकी इंग्लिश बनी दिस इज द पेन। ओके, मैंने इसके लिए यूज किया दिस इज द पेन। अच्छा, एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, दिस इज अ पेन। मेरे पास इसके अलावा भी एक और पेन है और ये इसके लिए लिखा मैंने दिस इज अ पेन, और ऊपर वाले पेन के लिए लिखा मैंने दिस इज द पेन। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये था कि यहां मैंने लगाया द और यहां लगाया ए। अच्छा, मैंने द क्यों लगाया? द इसलिए लगाया क्योंकि ये खास पेन है, ये आम पेन नहीं है, क्योंकि ये मेरे को गिफ्ट किया था मेरे फादर ने। और ये ए क्यों लगाया? क्योंकि जो दूसरा पेन है मेरे पास वो कोई भी आम पेन है, यानी बहुत सारे पेनों में से कोई सा भी एक पेन, या ए को मैं बोल सकता कोई भी, एनी, कोई भी पेन। तो यही आज का कॉन्सेप्ट था, जो एक फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें डिफरेंशिएट करें। अगर हम कहें कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे। कभी कभी आता है कि भाई आपको एरर फाइंड करना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताएं इस सेंटेंस में किसमें एरर है, और आप क्या देखोगे, आप देखोगे दा लगा हुआ है, यार गलत कर देता हूं, ए लगा हुआ गलत कर देता हूं, जबकि उसका आंसर शायद हो सकता है नो इंप्रूवमेंट का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पे दा भी सही है और ए भी सही है। तो जब भी दा का इस्तेमाल होता है तो दा का इस्तेमाल तब होगा जब किसी स्पेसिफिक या कोई खास विशिष्ट चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं कहूं आई परचेज्ड सम एप्पल्स, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे, द एप्पल वॉज डिलीशियस, और एप्पल कैसा था? डिलीशियस, क्योंकि मैंने अब एक खास एप्पल के बारे में बात की। अच्छा, ऐसे ही ए का इस्तेमाल क्या होता है? ए का बहुत सारी कोई भी चीज हो सकती है, उनमें से कोई भी एक चीज का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा यू आर अ बॉय, मैंने कहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर ए और एन का इस्तेमाल किसी भी एक लड़का या लड़की के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये तो था डिफ्रेंशिएट किसके बीच में, दा और ए के बीच में, जो आप कभी ना कभी गलती करते आए होंगे। अभी आगे बढ़ लेते हैं दा के और अन्य इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि दा के ऐसे फैक्ट जो अभी हमें जानने बाकी है, कि दा कहां कहां नहीं आएगा पहले वो सुनिए। तो दा एक तो कंट्रीज के नाम के साथ नहीं आएगा, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि यूएसए और चाइना, उसमें यूएसए के साथ तो दा था लेकिन चाइना के साथ दा नहीं था। बेसिक रूल ये कहता है कि कंट्रीज के साथ दा नहीं आता, दा का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, यूएसए, यूएसए एक कंट्री नहीं है, उसमें क्या है, कंट्री का एक ग्रुप है, तो जब भी कंट्री का ग्रुप होगा जैसे यूएई हुआ, यूएसए हुआ, उनके साथ दा आएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, क्या वैसे इंडिया के साथ एग्जांपल भी देख लो, अगर इंडिया के साथ दा आएगा कभी भी नहीं आएगा, या कोई भी कंट्री है उसके साथ दा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस देख लेते हैं, क्या जबान जो हमारी भाषाएं होती हैं उनके साथ दा का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, द हिंदी नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई स्पीक द इंग्लिश, इट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है, ये बोला जाएगा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रीट्स किसी गली के नाम के साथ आ जाएगा क्या, कि जिस गली में आप रहते हैं और उसका आप बताओ, उसके साथ दा लगा दोगे क्या? नहीं लगाओगे, गली के नाम के साथ, रोड्स के साथ कभी भी दा नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, किसी के नाम के साथ भी दा नहीं आता, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है रवि, तो रवि के साथ दा रवि नहीं होगा, आई एम द रवि, ऐसे नहीं बोला जाता, नाम के साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है दिल्ली, दिल्ली के साथ दा आएगा क्या, या मुंबई लिख देता हूं, बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली मुंबई, इनके साथ दा लगाओगे क्या? बहुत बड़े शहर हैं, लगा दे क्या? नहीं लगाएंगे। याद रखिए, सिटीज के साथ, कितनी ही बड़ी सिटी हो, कितना ही बड़ा शहर हो, उसके साथ भी दा नहीं आएगा, ये भी ब्लैंक बोला जाएगा। आप सीधा बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, या आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, कोई भी शहर हो उसके साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
दोस्तों अभी तो आपने देखा कि दा किसके साथ नहीं लगा, अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि दा किसके साथ लगना ही चाहिए। अच्छा एक बात बता दूं आपको, अभी तक जो भी आपने पढ़ रखा होगा ना अधूरा आधा कॉन्सेप्ट होगा, इस वीडियो में आर्टिकल में जितने भी यूजेज हैं जिसका जैसे जैसे इस्तेमाल होना है वो बिल्कुल उसी तरीके से हमने बताया है अभी तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क होकर चले जाओ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बैठ जाओ और आर्टिकल रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप 100% करेक्ट आंसर लिख के आने वाले हो, ध्यान से अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली है तो। तो अभी हम बात कर लेते हैं दा के उन इस्तेमाल की जिसके साथ आपको दा लगाना ही चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले याद रखना रिवर, रिवर समझते हो, हमारी नदियां, नदियों के साथ हमें जरूर दा का इस्तेमाल करना ही चाहिए। नदियां कौन कौन सी हो सकती है हमारी, जैसे द गंगा, गंगा भी क्या एक नदी है, ऐसे द यमुना, तो इस तरह की जितनी भी रिवर्स है उनके साथ आपको हमेशा दा लगाना है। आगे बढ़ते हैं होली बुक्स, होली बुक्स समझते हो क्या होती हैं, होली बुक्स मतलब धार्मिक ग्रंथ, यानी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, कुरान हो गए, बाइबल हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, इन सबके साथ भी हमेशा आप दा का इस्तेमाल करोगे। तो एग्जाम्पल्स हमने तो देख ही लिए, एक बार और आपको बता देता हूं, जैसे द होली बाइबल, द गीता एटसेट्रा, जितनी भी होली बुक्स हैं आप उन सबके साथ दा लगाओ। अगली क्लास की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर्स के साथ यानी अखबारों के साथ भी ना दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर कोई अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम तो हम बोलेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे अगर किसी अखबार का नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स तो आप पाओगे कि अखबारों के नाम के साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला इस्तेमाल है दा का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखना, एक होती है क्लास, क्लास समझते हो कि जिससे पूरी पूरा वर्ग ही समझा जाए, जैसे मैंने कहा कैमल, तो कैमल क्या हुआ एक जानवर का नाम है, जब मैंने बोल दिया द कैमल तो कैमल से जितनी भी कैमल है वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं, तो जहां पर पूरे किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लास को दिखाया जाता है, उसके साथ भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी क्लास को शो करने के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हॉर्सेस, द डॉग्स एटसेट्रा। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी आप मैन या वुमन का इस्तेमाल करोगे, यानी मैन आप पूरी मैन जितने भी आदमी हैं उनको आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उनके साथ दा नहीं लगाना, उनके साथ दा नहीं आएगा, उनके साथ डायरेक्ट आएगा मैन और वुमन, ना दा आएगा ना ए आएगा, कुछ नहीं, आप अपना मैन बोलो और अपनी बात शुरू कर दो। तो अभी हमने सारे इस्तेमाल देखे थे, हमने अपने आर्टिकल्स के वो फैक्ट्स देखे थे जो आपको अभी तक नहीं मालूम थे। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपका जो भी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में भरा हुआ था सब क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ आपके अगर जो जो डाउट्स हैं वो भी जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी आपकी शेयरिंग होगी उतना ही कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। थैंक यू।